सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को। आज का विषय है दान। दान सिर्फ धन का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग जानते हैं, आप बहुत ज्ञानी जन हैं, दान के कई प्रकार होते हैं। अन्न भी दान किया जाए तो दान की श्रेणी में अन्नदान हो जाता है। जल जब दान किया जाता है तो जल दान हो जाता है। ज्ञान जब ज्ञान दान किया जाए तो ज्ञान दान हो जाता है। संस्कार जब दान किए जाए तो संस्कार दान हो जाता है। हमारे जब पवित्र विचार दान किए जाए तो विचारों का दान हो जाता है। और हर दान की अपनी एक अलग महिमा है। जब हम किसी को भोजन खिलाते हैं, अन्न दान करते हैं, उसको जो तृप्ति मिलती है, उससे जो हमें आत्मिक अनुभूति होती है, उसका पारावार नहीं है। उसके बारे में जब भी हम चिंतन करें, मंथन करें, किसी को आपने भोजन कराया, उसको भरपेट भोजन करा दिया आपने, उसको जो तृप्ति मिलेगी, उसकी तृप्ति से कहीं तृप्ति ज़्यादा आपको मिलती है। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, उसकी तृप्ति ही सर्वोपरि है। हमें जो तृप्ति मिलती है वो वास्तव में हम उसकी भूख का भी आनंद लेने लगते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी, मुझे भी अटपटी लगी जब मैंने इस पर चिंतन किया। तो हमें अपनी तृप्ति के लिए नहीं, उसकी तृप्ति के लिए काम करना है, उसकी आवश्यकताओं के लिए काम करना है। जब हम दूसरों की आवश्यकताओं के लिए काम करते हैं, दूसरों की जरूरतें जब हमारी जरूरतें बन जाती हैं, जब हम उसके कष्ट में स्वयं को कष्ट देने का प्रयास करते हैं, उसके सुख में जब हम स्वयं को सुखी महसूस करते हैं, ये एक अलग अनुभूति होती है। इसकी अनुभूति सिर्फ उस काम को करके ही प्राप्त की जा सकती है। बताकर समझा पाना बहुत कठिन है। बिल्कुल उसी तरह कि जिस चीज़ को हमने देखा ना हो, उसकी कल्पना कर पाना कितना कठिन होता है। अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अनुभव, अनुमान में और अनुभव में बहुत अंतर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब कोई प्यासा होता है तो उसकी प्यास का आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत प्यासा होगा, लेकिन जब आप उसे जल तृप्ति देते हैं, उसको कितनी तृप्ति मिली, इसका सिर्फ उसको अनुभव है। तो अनुभव बहुत सारे होते हैं जीवन में, अनुमान बहुत सारे होते हैं जीवन में, लेकिन अनुभवों का जो अनुभव होता है, उसको सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। हम हमेशा बात करते हैं कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, दूसरा कौन? दूसरा कोई है ही नहीं, वो हमारा अपना जिसे हमने दूसरा मान लिया था, वो हमारा अपना जो दूसरा कभी था ही नहीं। क्योंकि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम पर काम करते हैं, तो सारे लोग हमारे हो जाते हैं, सारे लोग अपने हो जाते हैं, सारे लोगों का दुख अपना हो जाता है, सारे लोगों का सुख अपना हो जाता है। अपने सुख की कामना ही नहीं रह जाती। जब अपने सुख की कामना नहीं रहेगी तो भी हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसके संस्कारों के लिए, उसके पवित्र निर्माण के लिए, उसके विचार निर्माण के लिए, उसके अंदर जो कहीं कोई कुंठित मानसिकता विकसित हो गई है, उसके विकारों को दूर करने के लिए। और वो दूर कैसे होंगे? हमारे विकार दूर होंगे तो उसके विकार अपने आप दूर हो जाएंगे, हमारे विचार पवित्र होंगे तो उसके विचार अपने आप पवित्र हो जाएंगे। तो हमें उसके लिए तो काम करना है, लेकिन उससे भी पहले हमें अपनी कुंठित मानसिकता को दूर करना है। हमारी कुंठित मानसिकता हमें छोटा बनाते जाती है। हम दिखते बड़े हैं, लेकिन हमें हमारी मानसिकता ही छोटा बना देती है। तो क्या हम छोटी मानसिकता वाले व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं, हम कुंठित मानसिकता वाले व्यक्ति किसी के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो उम्मीदों पर जीते हैं, आशाओं पर जीते हैं। वास्तव में हम दूसरों की उम्मीदें बने, दूसरों की आशाएं बने, दूसरों के लिए हम हमेशा चिंतन करें, दूसरों के लिए मंथन करें, हमारा जीवन समूचे समाज के निर्माण के लिए हो, हम उदाहरण बने। हम लोग ऐसे लोगों के लिए उदाहरण बने जो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, जो लोग कुछ सोच नहीं पाते हैं। आज लोग हार कर डर कर आत्महत्या करने चले हैं, क्या ये ठीक है? नहीं,
ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी विचारधारा को मजबूत करें, अपने चिंतन को मजबूत करें, और यदि ये विषय आपको उचित लगे तो लोगों तक भी पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।